आज हम बात करने वाले हैं एनसीएलटी के प्रोविजंस, और एनसीएलटी के प्रोविजंस में हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर है 420, राइट। चलें, सेक्शन नंबर 420 बात करता है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, राइट। चल, जब भी हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, चल तो लॉ ने पहली बात क्या बोली है कि जो भी ट्रिब्यूनल है मे आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, राइट। ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की बात सुनेगा, जो भी इनके सामने कंप्लेंट फाइल की है, ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देने के बाद, फिर अपना डिसीजन देगा, पास सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। लॉ ने क्या बोला है कि ट्रिब्यूनल को जो इच्छा हो वो ऑर्डर पास करेगा, ये चीज़ बोली है सेक्शन नंबर 420 में। इसके आगे का जो जिक्र है वो है सेक्शन नंबर 422 में, राइट। चले, लॉ ने बोला है फिर भी ट्रिब्यूनल कितने वक्त में डिस्पोज ऑफ करेगा, 3 महीने में अपना डिसीजन दे देगा। अगर ट्रिब्यूनल ने दे दिया अच्छी बात है, अगर डिसीजन नहीं दिया किसने, ट्रिब्यूनल ने, तो लॉ ने बोला इनको देने पड़ेंगे रीजंस, तो इनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, बट ओवरऑल एक्सटेंशन नॉट एक्सीडिंग 90 डेज से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एक बात आगे, राइट, ये जो 3 महीने वाली बात, 90 डेज वाली बात है, ये सेक्शन नंबर लिखा है 2422 में, राइट। चलें, अच्छा, ये सारे के सारे प्रोविज़न एनसीएलटी पे भी लगते हैं एंड एनसीएलटी पे भी लगते हैं। जब भी हम वर्ड लिखेंगे ट्रिब्यूनल, मतलब हम बात कर रहे हैं एनसीएलटी की, और जब भी हम वर्ड लिखेंगे हम, तब हम बात करेंगे एनसीएलटी की। जब भी कहीं भी आपको चार्ट्स में वर्ड मिले ट्रिब्यूनल, इट मींस हम बात कर रहे हैं एनसीएलटी की, और जब भी वर्ड मिले अपीलेट, एटी स्टैंड्स फॉर अपीलेट ट्रिब्यूनल, हम बात कर रहे हैं एनसीएलटी की, राइट। तो हमने दो सेक्शन पढ़े, दूसरे सेक्शन सेक्शन नंबर 421 में छोटी सी बात और है, अगर कोई मिस्टेक अपेरेंट दिखती है रिकॉर्ड में से और दोनों पार्टी में से किसी ने ट्रिब्यूनल को बोला, देन ट्रिब्यूनल में विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा, और जो भी ऑर्डर की, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी है वो सारी की सारी पार्टीज कंसर्न को आपको देना है। याद रखना, अगर कोई अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड से कोई अगर मिस्टेक समझ में आ रही है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन 2 लाख रुपये का देना था, आपने वो 2 लाख में 0 कम लगा दिया 1, तो वो अपेरेंट दिख रहा है कि यार नॉर्मल वर्ड में तो लिखा है साहब यहाँ पर, और फिगर्स में 1 0 कम लगा है। तो लॉ ने बोला अगर ऐसी कोई मिस्टेक अपेरेंट दिखती है तो पार्टीज किसको बोलेंगी, ट्रिब्यूनल को। अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल उसको ऑर्डर देने से 2 साल के वक्त के अंदर उसको क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। बट अगर ऐसे अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में कोई अपील वगैरह फाइल कर दी गई है, तो फिर वो अपील वाले से ही ठीक होगा, फिर वो ट्रिब्यूनल से काम नहीं बनने वाला है। नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर, जिसके अगेंस्ट में क्या फाइल कर दी गई है, अपील फाइल कर दी गई है, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है उसको अमेंडमेंट करने का, ठीक। ये हमारा छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 420, सेक्शन नंबर 422। फिर से हम दोनों की कंबाइंड बात करें, कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लेंट गई ट्रिब्यूनल के सामने, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा दोनों पार्टीज को, और अकॉर्डिंगली जो होगा वो डीम्स फिट के हिसाब से अपनी पूरा नज़रिया देखने के बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन दे देगा। एक बात, डिसीजन दे देगा बट कितने वक्त में देगा, तो ये बोला है सेक्शन नंबर 422 में कि आपको 3 मंथ्स में डिसीजन देना है। दे दिया, वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो आपको देने पड़ेंगे रीजंस कि आपने डिसीजन क्यों नहीं दिया। डिसीजंस नहीं दिया तो लॉ ने बोला हम आपको थोड़ा सा वक्त और दे देंगे, बट नॉट मोर देन 90 डेज। एक बात, राइट, ये पूरी की पूरी 3 महीने वाली कहानी और 90 दिन वाली कहानी, ये जिक्र है सेक्शन नंबर 422 में, एक्सपीडियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेकेंड पॉइंट 420 का, राइट, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई मिस्टेक रिकॉर्ड से कोई मिस्टेक अपेरेंट दिखती है हमको सामने, तो लॉ ने बोला उसको 2 साल में ठीक करेगा ट्रिब्यूनल में, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर उस वाली मिस्टेक को ठीक करेगा। बट ये अमेंडमेंट पॉसिबल कब नहीं होगा, अगर कोई अपील प्रेफर कर दी गई है तो नहीं होगा, और पूरे के पूरे ऑर्डर की कॉपी, जो भी पार्टीज कंसर्न हैं उन सबको उसकी कॉपी मिल जाएगी। ये हमारा सेक्शन नंबर 420 एंड सेक्शन नंबर 422 था।
राइट, चले आगे। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन नंबर है 421। हम बात कर रहे हैं अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब हम बात कर रहे हैं एनसीएलटी के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करेंगे तो आप एनसीएलएटी मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑर्डर अपील फाइल करेंगे। बहुत ध्यान से, एनी पर्सन अग्रीव्ड, अग्रीव्ड मतलब दुखी व्यक्ति है कोई, मे प्रिफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप अपील कर सकते हैं किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल को। कितने वक्त में, विद इन 45 डेज, प्रोवाइडेड एक्सटेंशन इज ग्रांटेड, अगर सफिशियंट रीजन शो हुआ तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। जनरली फर्स्ट टाइम टाइम अलाउड इज 45 डेज। आगे, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया है विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज राइट, तो फिर लॉ ने बोला इसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं होगी। अरे भाई सीधी बात है, प्लेंटिफ ने बोला मुझे 2 लाख रुपए का कंपनसेशन बहुत है, डिफेंडेंट भी 2 लाख रुपए का कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, ट्रिब्यूनल ने मोहर लगा दी, सब ओके ठीक है, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के चक्कर में केस खत्म हो गया, आपका प्लेंटिफ को रिलीफ मिल गया और डिफेंडेंट भी फ्री हो गया। तो लॉ ने बोला अगर कोई ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल ने विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज तो फिर उसके रिस्पेक्ट में अपील फाइल करने मत जाना। अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कैन कंफर्म, मतलब एनसीएलटी के ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है उसको, सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, शैल प्रोवाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर टू ट्रिब्यूनल एंड द पार्टीज टू अपील, और अपनी कॉपी उसको किसको दे देगा, वो ट्रिब्यूनल को एंड द पार्टीज टू अपील। सेक्शन नंबर कौन सा है यार, 421, और ये बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल की राइट। चले, सेक्शन नंबर हमारे पास हुआ 420, 421 हुआ, 422 हुआ, एक छोटा सा सेक्शन इसमें दिख रहा है जो है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुँच गए हम, साहब के पास पहुँच गए, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। साहब क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ है ही नहीं। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल राइट, बहुत ध्यान से, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया 45 डेज में, एनसीएलएटी में जाओ अंडर सेक्शन 420 में ये ऑर्डर देगा राइट, तो 45 डेज में कहाँ पर जाओ आप, एनसी, और अगर इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में तो 60 डेज में कहाँ जाओ आप, सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी तो वो अपील फाइल करेगा 60 डेज में, प्लस 60 डेज का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, अगर सफिशिएंट रीज़न हुआ तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये हमारे पास 4 सेक्शन, सेक्शन नंबर 420, 421, 422, 423। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अरे भाई, ट्रिब्यूनल के सामने या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो केस आया है वो प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, तो लॉ ने पहली बात ही बोली है कि भाई जो हमारे पास एनसीएलटी है या फिर एनसीएलएटी है, साथ में बोलते जाएं समझ में आता रहेगा, याद होते रहेगा, जो भी एनसीएलटी है या एनसीएलएटी है, लॉ ने बोला जब भी ये कोई अपील वपील डिस्पोज ऑफ करेंगे इनको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है उसको कतई भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो कर लेना, और नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा आपको राइट। सेक्शन नंबर 424 में पहली बात क्या बोल रहा है, वो एनसीएलटी है या एनसीएलएटी है, जब भी ये अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे इनको ज़रूरी नहीं है क्या प्रोसीजर फॉलो करना, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में केस सुनने का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आपके ऊपर अप्लाई होगा। इनको वही पावर है जो सीपीसी में सिविल कोड को होती हैं, इनको मतलब एनसीएलटी एनसीएलटी को सेम पावर है जो सीपीसी में किसको होती हैं, सिविल कोड को होती हैं, लाइक समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को समन इशू करके हम बुला सकते हैं,
रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट वगैरह कॉल कर सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन अफिडेविट, हम अफिडेविट बुला सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, हम किसी को एक्स पार्टी भी बुला सकते हैं। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, या किसी ने अगर ऑर्डर ऑफ डिसमिसल पास किया है उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं। तो जो पावर किसको होती है, सिविल कोर्ट को होती है सीपीसी में, लॉ ने बोला वही सारी पावर किसको है, एनसीएलटी को और एनसीएलटी को। आगे सेक्शन नंबर 424 में हम आगे बात करें, एनी ऑर्डर मेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स बाय द ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर, याद रखना कोई भी ऑर्डर दिया है इन्होंने उसको एग्जीक्यूशन सेम होगा जैसे कि कोर्ट की डिग्री होती है एग्जीक्यूट, राइट। और डिग्री की बात सिविल प्रोसीजर कोड में है, वहाँ पर बहुत ध्यान से। तो लॉ ने क्या बोला है कि जो भी ट्रिब्यूनल या एटी या एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे एक कोर्ट की डिग्री एग्जीक्यूट होती है, कोर्ट का डिसीजन एग्जीक्यूट होता है। इन अ सूट पेंडिंग देयर इन इट शैल बी लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल ऑन इट, एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर अगेंस्ट द ऑर्डर, किस किस को देंगे हम, कंपनी के केस में उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज देंगे या फिर एनी अदर पर्सन के केस में जहां वो पर्सन रहता है या जहां पर बिजनेस करता है उस लोकेशन पे हम उसको भेज देंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है, 424। और लास्ट पॉइंट, सारी की सारी प्रोसीडिंग जो चल रही है एनसीएलटी के साथ में या एनसीएलएटी के सामने शेल बी डीम टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनको हम ऐसा ही मानेंगे जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई चलती है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 196, 228 ऑफ आईपीसी, इन धाराओं के तहत इन सेक्शंस के तहत हम इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है यार, 424। चलो हमने बात करी चार सेक्शन की, सेक्शन नंबर 421 बात करता है अपील की, सेक्शन नंबर 420 बात करता है ट्रिब्यूनल की कि भाई ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देगा एनसीएलटी अपना ऑर्डर देगा 422 में 30 दिन में ऑर्डर देगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा 90 डेज का। 421 में था एनसीएलटी में अपील फाइल करेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल 45 डेज में, 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एटी। सेक्शन नंबर 424 में प्रोसीजर बताया है कि भाई आपको सीपीसी को फॉलो नहीं करना है, बट पावर्स आपको वही हैं जो सीपीसी को होती हैं, और जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट का डिक्री एग्जीक्यूट होता है वैसे ये भी एग्जीक्यूट होगा। चलो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 428, और इसमें क्या बोला है कि भाई जो भी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है, ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट ने, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स ने, मतलब एक शब्द में ख़त्म करें तो जो भी ट्रिब्यूनल के ऑफिसर्स ने डिसीजन दिया है इसके अगेंस्ट में आप कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगा सकते अगर ये गुड फेथ में किया है तो, राइट। सेक्शन नंबर 428 एज सच एग्ज़ाम के हिसाब से काम का नहीं है ज़्यादा। सेक्शन नंबर 429 क्या बोल रहा है, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब अगर ट्रिब्यूनल को, किसको, एनसीएलटी को कोई प्रॉपर्टी की कस्टडी लेना है या अपने कंट्रोल में लेना है कोई प्रॉपर्टी, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या और कोई डॉक्यूमेंट कंपनी से रिलेटेड, जो कि कार्रवाई चल रही है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या फिर अंडर द आईबीसी 2016 में, यस, मतलब ट्रिब्यूनल को कोई प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी कस्टडी में लेना है, क्यों, क्योंकि उनके सामने कोई प्रोसीडिंग चल रहा है वाइंडिंग अप वाला या आईबीसी वाला, यस। देन वो रिक्वेस्ट करेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट, इनको वो रिक्वेस्ट करने वाला है टू टेक पोजेशन ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी बुक्स अदर डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर्ड दैट सेम टू बी डिलीवर टू द ट्रिब्यूनल और एनी ऑथराइज पर्सन, आप इनको डिलीवर कर दें या इनको ऑथराइज पर्सन को दे दें। सेक्शन नंबर कौन सा है, 429।
नो एक्ट ऑफ द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डन इन पर्सन्स ऑफ दिस सेक्शन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी और एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। लॉ ने बोला इनका जो काम है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 430 बात करता है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन। नो सिविल कोर्ट मतलब सीधी बात है, जिस मैटर के लिए एनसीएलटी या एनसीएलटी को ऑथराइज किया है उसमें बीच में सिविल कोर्ट अपना काम नहीं करेगा। लॉ ने बोला यार फिर क्या फ़ायदा, वो तो ओवरराइडिंग प्रोविज़न हो जाएगा। इसलिए सिविल कोर्ट को साफ साफ मना कर दिया कि भाई तुमको कोई पावर नहीं है, सेक्शन नंबर 430 में बात कर दी है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर फॉर विच द ट्रिब्यूनल और एटी इज एम्पावर टू डू सो। जिसके लिए किसको पावर दी गई है, ट्रिब्यूनल को पावर है, एनसीएलटी को पावर है, उसके लिए आपको कोई पावर नहीं है। चल हमने बात करी सेक्शन नंबर 428 की, 429 की, 430 की, सिंपल सेक्शंस थे। सेक्शन नंबर 431 थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। वैकेंसी इन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन में वैकेंसी है या अपीलेट ट्रिब्यूनल में, नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट और प्रोसीडिंग। लॉ ने बोला इन्होंने जो काम किया है, जो डिसीजन दिए हैं, वो वैकेंसी के कारण इनवैलिड नहीं होंगे। शैल नॉट बी क्वेश्चन मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी। इसका मतलब ये हुआ, से फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल ने या एनसीएलटी ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। अब डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया तो डिफेंडेंट क्या कर रहा है, सब डिफेंडेंट तो पहुंच गया वहां पर और बोलता है कि नहीं साहब ये एनसीएलटी के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट है। लॉ ने बोला ये फालतू बकवास ना करें, 431 में हमने इस चीज़ को साफ साफ मना कर दिया है। 432 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील में इधर अपियर इन पर्सन और ऑथराइज वन और मोर सीए सीएस सीडब्ल्यूए लीगल प्रैक्टिशनर टू प्रेजेंट हिज केस। आप अपना केस प्रेजेंट करने के लिए किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं। एंड सेक्शन नंबर 434 बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, राइट। On such date as notified by the central government, all matters proceeding cases pending before CLB shall be transferred to NCLT. हम बात कर रहे हैं 1956 वाला था वो 2010 के 2013 वाले के सामने पहुंच जाएगा। Any person aggrieved by the decision of CLB वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा, कितने वक्त में, 60 डेज में, 60 दिन और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। All proceeding under companies at 1956 including arbitration, compromise arrangement, reconstruction etc. pending before such date before any district court high court के सामने shall be transferred to the NCLT। किसको transfer हो जाएगा वो, NCLT को। Any appeal preferred to appellate authority for industrial and financial reconstruction shall be abated, उसको हम रोक देंगे, provided a company in respect of which appeal is made make a reference to tribunal, वो कंपनी जिसकी रोकी गई हमने अपील वगैरह वो 180 दिन में इसको ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, सेक्शन नंबर 434 की बात। तो हमने बात करी सेक्शन नंबर 420, 421, 422, 423 फर्स्ट चार्ट में, सेकंड चार्ट में 424, 428, 429, 430 की बात है थर्ड चार्ट पे, फिर 431 अभी बात करिए, 432 एंड 434 ये सेक्शंस की हमने बात की है, राइट। बहुत ध्यान से, एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज रखता है ये टॉपिक हमारे पास, राइट। थ्योरी से बात करिए सेक्शन नंबर 420 से लेकर सेक्शन नंबर 434 तक, अब हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, राइट, हमने जो चार्ट से बात की है अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी से पढ़ते हैं कि भाई प्रोविजंस क्या है, राइट। चल शुरू करें हम, सेक्शन नंबर कहां से कहां तक है हमारे पास, सेक्शन नंबर 420 से स्टार्ट, राइट। चले
तो सेक्शन नंबर 420 बात करता है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ओनली आफ्टर SCN. SCN स्टैंड फॉर शो कॉज नोटिस, राइट. चले द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड. ट्रिब्यूनल क्या देगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा. कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो ट्रिब्यूनल को लगेगा उचित, वो ऑर्डर पास करता है. एक बात, अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी ऑर्डर पास बाय इट कंटेन्स अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. अगर ट्रिब्यूनल को लगा खुद के ऑर्डर में जो उसने पास किया है एंड उसमें कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, सामने हमको मिस्टेक दिख रही है, इट मे विद अ व्यू टू रेक्टिफाई सच मिस्टेक, उस वाली मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए किसी भी ऑर्डर को खुद स्यू मोटो बेसिस पर अमेंड कर सकता है, या अगर पार्टीज ने बताया है तो भी उसको ठीक कर सकता है. सच ऑर्डर मे बी पास बाय द ट्रिब्यूनल एट एनी टाइम बट विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. जब से वो ओरिजिनल ऑर्डर दिया गया था तब से मॉडिफिकेशन का, रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर जो है वो आप 2 साल में पास कर सकते हैं. हाउएवर द ट्रिब्यूनल शैल नॉट अमेंड एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड. अगर कोई अपील वगैरह लगा दी गई है तो फिर ट्रिब्यूनल को पावर नहीं है उसको अमेंड करने की, और उसकी कॉपी हम दोनों पार्टीज कंसर्न को भेजेंगे, राइट. चल नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 421 है जो हमने बात की है अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल का, राइट. चले तो सेक्शन नंबर 421 बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. अब हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको अपील फाइल करने जाना है तो NCLAT के सामने जाना है. अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील टू NCLAT, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास. बट अगर कोई ऑर्डर दिया गया था कंसेंट ऑफ द पार्टी से, राइट, दोनों पार्टी सहमत थे तब NCLAT ने ऑर्डर पास किया, तो लॉ ने बोला फिर भूल जाओ, आप NCLAT के सामने नहीं जा सकते. अपील फाइल करना है वो भी 45 डेज में. हाउएवर अगर वो सेटिस्फाइड हुआ कि भाई 45 डेज में फाइल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास कोई सफिशिएंट रीज़न है, तो आपको हम फर्दर पीरियड दे देंगे वो भी 45 डेज का. तो 45 + 45 90 डेज का वक्त हो गया आपके पास. ओवरऑल फॉर्म एंड फीस, जो फॉर्म है उसमें फाइल करना है, फीस जो प्रिस्क्राइब है NCLT रूल्स में वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी. ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन रिसेप्ट ऑफ एन अपील. अपील जैसे ही आपको मिल गई, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. जो ऑर्डर पास करना है NCLAT वो ऑर्डर पास कर देगा. इधर वो कन्फर्म कर देगा NCLT के ऑर्डर को, मॉडिफाई कर देगा, सेटिंग असाइड कर देगा द ऑर्डर अपील अगेंस्ट. कॉपीज ऑफ ऑर्डर टू बी सेंड टू पार्टीज. द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड पार्टीज टू अपील, राइट. आप उनको कॉपी दे दो. सेक्शन नंबर 422 बात करता है भाई डिस्पोजल, फटाफट डिस्पोज ऑफ करेगा ट्रिब्यूनल या NCLAT, दोनों के लिए टाइम लिमिट दी है. एवरी एप्लीकेशन पिटिशन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल वो डिस्पोज ऑफ कर देगा उसको 3 मंथ में जब से इनके सामने दी गई थी. एवरी अपील फाइल बिफोर द NCLAT वो भी, उसको भी टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो मतलब दोनों केस में NCLAT के सामने कोई पेश करा गया या NCLAT के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने NCLAT को अप्लाई करा तो भी 3 महीना है. दोनों केस में 3 महीने में डिस्पोज ऑफ होगा. एक्सटेंशन ऑफ टाइम वेर एन एप्लीकेशन और पिटिशन और अपील कुड नॉट बी डिस्पोज. अगर 3 महीने में डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाया, द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन और पिटिशन और अपील विद इन दिस सेड पीरियड ऑफ 93 मंथ्स. तो आपको देने पड़ेंगे रीजंस कि भाई आपने या अपनी अपील जो आपके सामने लगाई गई थी 80 को या ट्रिब्यूनल के सामने, उसको आपने डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर पाया, तो आपको देने पड़ेंगे उसके लिए रीजंस. द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन एज द केस में भी, मतलब या तो NCLAT या NCLAT का में आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द रीजन्स सो रिकॉर्डेड एक्सटेंड द सेड पीरियड ऑफ 3 मंथ बाय सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज एज ही मे कंसिडर नेसेसरी, राइट. लॉ ने बोला है सब हम 3 महीने से लेकर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, राइट, 90 दिन से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा था यार, 422 की हमने बात की है.
फिर हम बात करें साहब, NCLAT से सेटिस्फाइड नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है 60 डेज में। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट आपको अगर सफिशियंट रीजन हुआ तो 60 दिन और दे देगा। और यहाँ पर अपील फाइल करनी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, राइट। सेक्शन नंबर 424 बात करता है प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड AT, पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। लॉ ने बोला साहब आपको हमने पावर दी है, आप अपना खुद का प्रोसीजर डिजाइन करें। वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग और अपील फाइल बिफोर इट द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर। जो CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में प्रोसीजर है आप उससे बाइंडिंग नहीं है। शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपको नेचुरल जस्टिस मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट तो देना ही पड़ेगा। शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, आप खुद का प्रोसीजर डेवलप कर सकते हैं। शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और IBC, आपको IBC एंड कंपनीज एक्ट का फॉलो करना पड़ेगा। पावर ऑफ AT एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड NCLT, तो लॉ ने बोला ये सब शैल हैव फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन, आपको वही पावर हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल कोड को होते हैं। और वो पावर कौन से हैं आपके पास? यही सारे पावर्स हैं जो हम बहुत बार अलग अलग डिफरेंट एक्ट में हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल समनिंग एंड फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिन ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीव एविडेंस एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज देयर ऑफ, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट एंड डिसाइडिंग इट्स एक्सपार्टी। तो ये सारी पावर जो एक सिविल कोर्ट को होती है, जो आपने भी बहुत सारे एक्ट में अलग अलग एक्ट में यही पढ़े होंगे, वही सेम पावर्स यहाँ है। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड NCLT, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर दिया गया NCLT ने या NCLAT ने, मे बी एनफोर्स बाय द ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर, जैसे कि कोर्ट की डिग्री को एनफोर्स करते हैं उसी तरीके से एनफोर्सेबल होगी, क्रियान्वयन होगा इसका। इट शैल बी लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल और द AT टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर टू द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज ज्यूरिडिक्शन। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट अ कंपनी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, वहाँ भेजना है आपको। और इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, द पर्सन कंसर्न वॉलेंट्री, जहाँ पर वो पर्सन रहता है या बिजनेस करता है पर्सनल गेन के लिए, राइट, वो पर्सन को वहाँ पर हमको भेजना है। प्रोसीडिंग टू बी डीम्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड AT शैल बी डीम्ड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग, और जो भी इनके सामने कार्रवाई चली है उसको हमने क्या बोला है सब? जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेक्शन 425, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, द ट्रिब्यूनल और AT दैट NCLT या NCLAT शैल हैव द सेम ज्यूरिडिक्शन पावर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ एज द हाई कोर्ट हैज एंड मे एक्सरसाइज फॉर दिस पर्पज द पावर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के हिसाब से। डेलीगेशन ऑफ पावर सेक्शन नंबर कौन सा है? 426, द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एनी ऑफ द ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय इट टू इंक्वायर इन टू एनी मैटर कनेक्टेड विद एनी प्रोसीडिंग्स और एज द केस मे बी अपील बिफोर इट टू रिपोर्ट इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से आपको पावर को डेलीगेट करना है। सेक्शन नंबर 427 और ये बात करता है प्रेसिडेंट मेंबर ऑफिसर एटसेक्टर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, राइट, इनको हमने डीम टू बी क्या माना है? पब्लिक सर्वेंट, IPC के सेक्शन नंबर 21 के हिसाब से। 428 में बोल रहा है कि भाई इन्होंने जो भी काम किया NCLT ने, NCLAT के ऑफिसर्स हैं, सारा का सारा काम हम किस में मानेंगे कि साहब इन्होंने जितने भी काम किए सारे के सारे काम को हमने गुड फेथ में ही ट्रीट करना है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट, पहला, द ट्रिब्यूनल, प्रेसिडेंट, मेंबर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल और द चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, एम्प्लॉयज ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल और लिक्विडेटर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल इन डिस्चार्ज ऑफ एनी ऑफ इट्स फंक्शंस। पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एटसेट्रा, सेक्शन नंबर कौन सा है?
429। पावर टू टेक द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा अंडर कस्टडी, आपको पावर है कि आप वो कस्टडी में अपने पास प्रॉपर्टी रख सकते हैं। सेक्शन 429 अप्लाइज वेयर द ट्रिब्यूनल इंटेंड्स टू टेक इन टू इज कस्टडी और कंट्रोल द प्रॉपर्टीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी इन एनी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज एक्ट अंडर दिस एक्ट या फिर IBC के अंदर। सेक्शन 429 एम्पावर्स द ट्रिब्यूनल टू मेक अ रिटन रिक्वेस्ट टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, आपको किसको रिक्वेस्ट देनी है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद इन हूज ज्यूरिडिक्शन एनी सच प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट ऑफ सच कंपनी IBC में जो सिचुएटेड हैं या दिए गए हैं। जब आपने रिक्वेस्ट लगाई है किसको, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एज द केस में भी शैल टेक पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रख लेगा एंड कॉल द सेम टू बी इंटरेस्टेड टू द ट्रिब्यूनल और अदर पर्सन ऑथराइज बाय इट। मैनर ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी एटसेट्रा अंडर कंट्रोल, जो भी उचित स्टेप्स होंगी वो स्टेप्स लेंगे वो उसको अपने कंट्रोल में रखने का। वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, नो एक्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डन इन पर्सुएंस लॉ ने बोला है साहब जो इन्होंने काम किया आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, जो भी काम किया वो सबका सब गुड फेथ में माना जाएगा और पूरा का पूरा लॉ का प्रोटेक्शन होगा इसको। सिविल कोड नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, सिविल कोड को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। The provision of section 430 are intended to speed up the disposal of the matter to be decided by the tribunal and the appellate tribunal. These provisions are explained thereunder. कोई भी कोर्ट को राइट नहीं है, नो कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिडिक्शन, जिस मैटर को ट्रिब्यूनल या NCLT को सुनने का अधिकार है, लॉ ने बोला सिविल कोर्ट को राइट नहीं है। नो कोर्ट शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू ग्रांट एन इंजंक्शन, आपको कोई इंजंक्शन वगैरह भी देने का अधिकार नहीं है। सेक्शन नंबर 431 काम का प्रोविजन है, एग्जाम में सवाल पूछते हैं और ये चीज कंपनी लॉ में भी है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब कॉन्सेप्ट देखे सब हमने ऑलरेडी बात की है कि भाई कोई अगर वैकेंसी है NCLT में या NCLAT में और इन्होंने कोई डिसीजन दिया किसी पार्टी के अगेंस्ट में, तो वो पार्टी इस प्रोविजन के इस पॉइंट पर इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता कि सर इनके डिपार्टमेंट में तो वैकेंसी है इसलिए ये इनवैलिड है। नहीं, नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी क्वेश्चन और शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी इन द ट्रिब्यूनल और AT और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल और AT। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर कौन सा है आपका, 432। अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल और AT मे अपियर इन पर्सन, ऑथराइज वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन, आप किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं। लिमिटेशन, सेक्शन नंबर कौन सा है, 433। द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 शेल एज फार एज मे बी अप्लाई टू प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड AT, लाइक ये तो हर जगह एक्ट लगता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे GST हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे हमारा NCLT का कोई प्रोविजन हो। सेक्शन नंबर 434 है, ये बात कर रहा है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग, क्यों, अरे भाई कंपनीज एक्ट 1956 था तो वहां पर कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, तो ये उस टाइम की बात कर रहा है कि भाई 2013 वाला कंपनीज एक्ट आया हमारा, अब उस टाइम पे कोई हमारा कंपनीज एक्ट आया अगस्त में, अब अगस्त में आया, जुलाई में किसी का केस SCLB के सामने था, अगस्त में कंपनीज एक्ट आ गया, अब उस केस का क्या होगा, क्या वो NCLB तो अब है नहीं, तो क्या वो NCLT के सामने ट्रांसफर होगा या किस अथॉरिटी के सामने जाएगा, ये आपको बताता है सेक्शन नंबर 434। थेरी के हिसाब से काम का नहीं है, बट बेचारे जो केस लड़ते हैं CLB और NCLT में वकील साहब लोग हैं या प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी की बात करें हम जो लिटिगेशन पार्ट डील करते हैं उनके लिए सेक्शन भगवान जैसा था, राइट। चलो, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर CLB टू ट्रिब्यूनल, CLB से कहाँ जाएगी अब, ट्रिब्यूनल के पास में, ऑन सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेट नोटिफाई की है,
सारे के सारे मैटर्स प्रोसीडिंग केसेस पेंडिंग बिफोर दी कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हमने क्या बोला है, CLB, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 10E ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इमीडिएटली सच डेट शेल स्टैंड ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल एंड द ट्रिब्यूनल शेल डिस्पोज ऑफ सच मैटर प्रोसीडिंग केसेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. फिर NCLT जिस तरीके से उसको डील करना चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ करेगा. अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय द CLB. एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑर्डर ऑफ द CLB मेड बिफोर द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2013 में CLB ने कोई डिसीजन पास कर दिया, अब वो पर्सन को अपील फाइल करना है CLB के डिसीजन के अगेंस्ट में. फिर कंपनीज एक्ट 2013 चेंज हो गया, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया तो लॉ ने बोला अब कहाँ अपील करने जाना है भाई आपको. मे प्रिफर एन अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ CLB. हाउएवर द हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड द अपीलेंट तो वो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, वो भी मैक्सिमम 60 दिन. और ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर कोर्ट टू द ट्रिब्यूनल. ऑल प्रोसीडिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट शेल स्टैंड ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल एंड द ट्रिब्यूनल मे प्रोसीड टू डील विद सच प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्टेज बिफोर सच ट्रांसफर. NCLT वहीं से उसको डील करेगा जहां तक अगर आधा सुन चुके हैं तो आधा वो हो गया एक्स्ट्रा और आधा बचा है वहां से NCLT फिर आगे कार्रवाई करेगा. ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वो बोल देगा भाई दो मैटर हैं CLB ने सुन लिए थे, अब बताएं साहब क्या NCLT पूरे के पूरे 5 मैटर को सुनवाई करेगा या जो रिमेनिंग 3 मैटर हैं वो. तो ये पॉइंट बोलता है कि सिर्फ रिमेनिंग 3 मैटर हैं वो सुनवाई करेगा NCLT. Only such proceeding relating to winding up of company shall be transferred to tribunal are at stages as may be prescribed by the central government. Central government जैसे बताया वहाँ जाएगा. Only such proceeding relating to cases other than winding up for which order for allowing or otherwise of the proceeding are not reserved by the High Court shall be transferred to the tribunal. All proceeding under Companies Act 1956 other than the cases relating to winding up of company that are reserved for orders for allowing otherwise such proceeding shall be dealt with in accordance with Companies Act 1956 year rules 1959 wale ke according. The proceeding relating to winding up of company which have not been transferred from High Court shall be dealt with Companies Act 1956 ke hisab se. The proceeding relating to voluntary winding up of the company voluntary winding up of the company where notice of the resolution for advertisement has been given under section 485 but the company has not dissolved before 1st April 2017 shall continue to be dealt with. Fir aap companies act 1956 se hi deal karna hai. Rules for timely transfer of matter proceeding to the tribunal. The central government may make rules consistent with the provision of this act to ensure timely transfer of matter. मतलब NCLT के जो हम rules बनाएंगे वो consistent होंगे CLB से. Question number 1. Jayant. A shareholder of CRI Private Limited filed an application before the company law board alleging various act of operation mismanagement in the affairs of company sought certain relief measures. भाई किसी कंपनी के अगेंस्ट में एक मेंबर ने शेयर होल्डर ने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करा CLB के सामने. द पिटिशन वॉज ट्रांसफर टू NCLT ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ट्रांसफर हो गए NCLT को. NCLT ने ऑर्डर पास करा 5 अक्टूबर 2017 को विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, बहुत बढ़िया. अग्रीड बाय द ऑर्डर द शेयर होल्डर डिसाइडेड टू प्रेफर एन अपील. नेवरथलेस द शेयर होल्डर वॉज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर. He was medically advised not to move or he did not move. नाथ भैया उसको मना कर दिया कि भाई तू कहीं मत जा, अपना हेल्थ का ध्यान रख. Therefore, he preferred the appeal on 5 दिसंबर 2017. ठीक है. Whether the appeal is admissible, identify the provision. अरे भाई 434 बोलता है कि पहली बात तो ट्रांसफर होगी
और 421 में टाइम लिमिट की बात की है कि भाई 45 डेज में आपको अपील फाइल करनी पड़ती है, एक्सटेंशन मिल जाएगा और 45 डेज का अगर सफिशिएंट रीजन दिया। ये रहा द अपील में भी प्रेफर्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ 80 टू हिम, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट को 60 डेज का ड्यूरेशन है 423 में, ये ले हाँ राइट, और विद इन टाइम लिमिट में 421 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। अरे भाई 45 डेज प्लस 45 डेज आपका 90 डेज हो गया वहां पर राइट। क्वेश्चन नंबर टू, अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी डेटेड 5 मई 2018 पास विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, मंगला लिमिटेड डिसाइड टू फाइल एन टू फाइल एन एम्प्लॉयज एंड ऑफिस ऑफ द कंपनी वेंट ऑन स्ट्राइक, और स्ट्राइक पे कब चलेगा यार 10 मई को, डिमांडिंग हायर पे, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं सब। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज बैडली अफेक्टेड द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक कब खत्म हो गया यार 15 जून, लगभग एक सवा महीने के बाद। देयर आफ्टर द अपील वर्ड फाइल्ड ऑन 25/6/2018 बिफोर एनसीएलटी विद अ प्रेयर फॉर कंटिन्यूइंग डिले, अ सिंगल जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी स्टार्टेड द हियरिंग। पहला, वेदर द अपील इज एडमिसिबल, याद रखना 45 डेज प्लस 45 डेज तक आपको ड्यूरेशन मिलता है, तो 5 तारीख को ऑर्डर पास करा, 5 तारीख से 45 डेज आपका 30 दिन हो गए साहब 5/6 को, और इसमें और जोड़े तो हो गए 20 तारीख, 25/6 को फाइल करा तो एक्सटेंशन मिलना चाहिए राइट इनको, दे देखा 421 45 डेज में अपील फाइल करना चाहिए, द अपील इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एक्सटेंशन, सफिशिएंट एक्सटेंशन दे दिया तो आपका काम बन जाएगा। मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंटिन्यूएशन 45 डेज, इज द अपील ट्रांसफर टू अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, सिंगल जुडिशियल मेंबर की बात करता है, ये हो गया। द अपील पास्ड ऑन 5 मई 2018 इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फॉर फाइलिंग द अपील, लास्ट डेट क्या थी यार 19 जून 2018, मतलब 45 डेज। हाँ, अगर इन्होंने अपील वो फाइल कर दी है, एक्सटेंशन मिला 3 अगस्त तक का, अपील फाइल करनी थी 25 अगस्त को फाइल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है विद इन टाइम लिमिट में। कंक्लूजन, द अपील प्रेफर्ड ऑन 25 जून 2018 बाय मंगला लिमिटेड विद द, हम मान रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट है अगर हम 45 डेज का एक्सटेंशन कंसिडर करें तो। याद रखना एनसीएलटी के अगेंस्ट में अपील फाइल करने के लिए एनसीएलटी के पास जाओगे तो 45 प्लस 45, और सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो 60 दिन प्लस 60 दिन का वक्त है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एनसीएलटी ऑन 3 अप्रैल 2018 पास विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी, मिनरल वाटर्स लिमिटेड डिसाइडेड टू फाइल एन अपील बिफोर द ऑनरेबल एनसीएलटी, आप चाहते हो साहब हम अपील फाइल करें किसके सामने, एनसीएलटी के सामने। द ऑर्डर वॉज रिसीव बाय द कंपनी ऑन 4 अप्रैल 2018, 4 अप्रैल को मिला। द एम्प्लॉयज ऑफिसर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम 22 मई से, डिमांडिंग हायर वेजेस वगैरह। दे आफ्टर अपील फाइल करी 6 जून को, बहुत बढ़िया, 3 मई से फाइल करी 6 जून को, फिर से वही चीज़ है यार, 3 मई को, 3 अप्रैल को पास हुआ ठीक है, तो इन्होंने बुलाए द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल वॉज रिसीव्ड ऑन 4th मई, दस द लास्ट डेट विदाउट एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग 19 मई 2018। द अपील प्रेफर्ड ऑन 6 जून 2018 बाय मिनरल वाटर्स लिमिटेड बिफोर द 8 NCLAT हैज नॉट बीन प्रेफर्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड 421 इन द गिविंग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 80 टू बी सेटिस्फाइड देयर वॉज अ सफिशियंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग अपील टिल 19 मई 2018, सो द अपील शैल नॉट बी आर्बिट्रेड बाय द ट्रिब्यूनल, हाउएवर एंटाइटल्ड है तो भाई वो 45 डेज का आपको एक्सटेंशन दे देगा, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है राइट। चलो तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक था यार, 420 से लेकर सेक्शन नंबर 434। हम बात करें सेक्शन नंबर 435 की, एंड सेक्शन नंबर 435 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स राइट। चले ध्यान से,
तो कंपनी लॉ में बहुत सारे मैटर सॉल्व करने के लिए लॉ में स्पेशल कोड्स बनाए गए हैं। सेक्शन नंबर 435 उसी कोड की बात करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मे फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, राइट, जो भी ऑफेंसेस हैं उनका फटाफट निपटारा हो इस पर्पस से, स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और मोर, राइट, जिनका इम्प्रिजनमेंट कम से कम 2 साल या ज़्यादा है, उन मैटर निपटाने के लिए यस इस्टेब्लिश करा है एज मेनी स्पेशल कोड एज मे बी नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उतनी हम स्पेशल कोड को फॉर्म करेंगे। स्पेशल कोर्ट में शेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज, कितने जज रहेगा, एक जज रहेगा, हु शेल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना स्पेशल कोर्ट किसने फॉर्म किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्पेशल जज भी कौन अपॉइंट करेगा, सिंगल जज, सेंट्रल गवर्नमेंट। विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी अप्रूवल लेकर काम करेगा, कंसेंट लेकर, विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द जज टू बी अपॉइंटेड इज वर्किंग। से फॉर एग्जाम्पल आपकी सब कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यूपी की हाई कोर्ट है, तो आपको अगर इस पर्पज़ के लिए कोई स्पेशल कोर्ट अपॉइंट करना है तो वो पर्सन जो होगा स्पेशल कोर्ट का सिंगल जज वो उसी के अंडर में आने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ही इज़ इमिडिएटली बिफोर सच अपॉइंटमेंट, ये स्पेशल कोर्ट में जज अपॉइंट होने के पहले होल्डिंग ऑफिस ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इस लेवल का बंदा तो होना ही चाहिए जो ऑफिस होल्ड करता था सेशन जज की तरह या एडिशनल सेशन जज की तरह। प्रोवाइडेड दैट ऑल अदर ऑफेंसेज शैल बी ट्राइड बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनको छोड़कर जो भी ये स्पेशल सेशन जज वाला डिस्कस करेगा, स्पेशल कोर्ट वाला, इनको छोड़कर बाकी और कोई ऑफेंसेज हैं उसको कौन डिस्कस करेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास, 435। नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है यार कौन से ऑफेंसेस को ट्राई करेगा, ट्रायलेबल होंगे स्पेशल कोर्ट के द्वारा, सेक्शन नंबर 436, राइट। 435 में बात करी हमने कि भाई सरकार क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट का गठन करेगा, स्पेशल कोर्ट में कौन रहेगा, सिंगल जज, जो किस लेवल का होगा, ये अपॉइंटमेंट के पहले वो सेशन जज था या एडिशनल सेशन जज था। लॉ ने बोला कौन कौन से ऑफेंसेस ट्रायलेबल बाय द स्पेशल कोर्ट होंगे, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। लॉ में बोला है सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, ऑल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 435(1) शैल बी ट्रायलेबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट। सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो बट जो यहाँ ऑफेंसेस हैं 435 वाले, वो 435 सबसेक्शन 1 वाले, वो सारे के सारे ये वाली कोर्ट ट्राई करेगा। एस्टैब्लिश फॉर द एरिया इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और मोर देन स्पेशल कोर्ट सिचुएटेड बाय एनी ऑफ द हाई कोर्ट स्पेसिफाइड, इनको वही पावर होंगी जो 167 में सीआरपीसी में इंस्पेक्टर को होती हैं। वेयर अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंसेज अंडर सीआरपीसी, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया कौन से ऑफेंसेज में जो सीआरपीसी में है, सच मजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन ऑफ सच पर्सन, मजिस्ट्रेट के पास पावर है आप उस पर्सन को डिटेन्ड के ऑर्डर दे सकते हैं, बट अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 15 डेज का डिटेंशन देंगे मैक्सिमम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो 7 डेज का डिटेंशन देंगे, इससे ज़्यादा पावर नहीं है। स्पेशल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे एंड एनी ऑफेंस विच इज इम्प्रिजनमेंट विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, राइट, हम समरी वे से समरी प्रोसीजर के थ्रू भी हम ऐसे ऑफेंसेस में जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं है उनको हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल इम्प्रिजनमेंट जो दोगे वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं दोगे। ध्यान रखना कौन से वाले केस सुनने का आपको अधिकार है, ऐसे समरी वे के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं होता, बट कल के दिन अगर आपने व्यक्ति को दोषी पाया गया तो आप मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना दे पाओगे, 1 साल का। सेक्शन नंबर 436 ये वाली बात करता है। सेक्शन नंबर 437, राइट, अपील एंड रिविजन, हाईकोर्ट हैज़ अ पावर टू हेयर एन अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट।
अरे भाई सीधी बात है, स्पेशल कोर्ट 435 में जो बनी है वो हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में बनी है। जो सेशन जज वाला बंदा अपॉइंट होगा वो भी उसी लेवल का होगा, वहीं से होगा। तो लॉ ने बोला इनके अगेंस्ट में अपील फाइल करने आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे। ये बात करता है सेक्शन नंबर 437। 438 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट, प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन, पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये चीज़ें डीमिंग प्रोविजंस हैं कि भाई जो भी प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी हैं हम बोलेंगे वो स्पेशल कोर्ट में लगने वाले हैं। सेम प्रोविजन स्पेशल कोर्ट को हम क्या मानेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन, और जो भी पर्सन प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट कर रहा है उसको हम क्या मानेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन नंबर 438। तो हमने बात करी है सेक्शन नंबर कौन कौन से, सेक्शन नंबर 435 में, जिसमें बोला है कि भाई गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट क्या बनाएगा, स्पेशल कोर्ट। फिर कौन कौन से ऑफेंसेस ट्रायलेबल होंगे वो हमने बात करी है 436 में। 437 में बात करी कि स्पेशल कोर्ट के अगेंस्ट में आपको अपील फाइल करने जाना है तो कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में। और सीआरपीसी की बात करें, सब सीआरपीसी के कुछ कुछ प्रोविज़न किस पर लगेंगे आपके, स्पेशल कोर्ट पे। ये सेक्शन नंबर 438 है हमारे पास, राइट। हमने बात की है सेक्शन नंबर 435 की, चार्ट से बात की है, अब हम इसका थ्योरी कंसेप्ट देखेंगे भाई सेक्शन नंबर 435 से क्या है थ्योरी में, राइट। ये बात करता है स्पेशल कोर्ट के, बहुत ध्यान से, एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज हो सकता है, राइट। चल, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है किसी भी कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट। द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्पेशल कोर्ट इज टू प्रोवाइड, फटाफट ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में हम पनिशेबल अंडर दिस एक्ट है उनको हम रिलीफ दें। स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, एक जज रहेगा, अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज अ सेशन जज वो बनना रहेगा, या एडिशनल सेशन जज रहेगा इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और मोर, एंड अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन केस ऑफ एनी अदर ऑफेंसेस। मतलब सेशन जज या एडिशनल वाला रहेगा जिसमें ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट 2 साल या ज़्यादा होता है, इन अदर केस में हरदम मजिस्ट्रेट रहने वाला है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यहाँ रहेगा। Who shall be appointed? इनका अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी बात, किसकी अप्रूवल लेकर, किसकी कंसेंट लेकर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अप्रूवल लेकर, जिसके अंडर वो स्पेशल कोर्ट काम करेगा। चले, तो ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 435 की जो हमने बात करी है। सेक्शन नंबर 436 बात करता है ऑफेंसेस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। चलो थ्योरी देखें, All offences punishable under this Act with imprisonment of 2 years or more shall be trialable only by the special court established for the area जहाँ पर मेरी कंपनी का registered office situated है। In case there are more special court than one for such area, then such offence shall be trialable such a special court जिसको High Court ने बोला है। All such offences are not trialable by the special court shall be tried by the metropolitan magistrate. जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसको अधिकार है। बी पॉइंट, वेयर अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट, सच मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन, डिटेंशन के लिए ऑर्डर देगा मैक्सिमम 15 डेज के लिए। इन केस ऑफ इफ वेयर सच मजिस्ट्रेट इज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and 7 days in the whole where the such magistrate is a executive magistrate. However, if such magistrate consider that the detention of such person before or upon or before the expiry of the period of detention is unnecessary, he shall order such person ki bhai is person ka case hum special court ko forward kar de. The special court may exercise in relation to the person forwarded to it same the power which a magistrate having jurisdiction to try a case may exercise. A special court may, upon pursuance of police report of the fact constituting offence, police report mein sab offences ke respect mein, take cognizance of the offence without the accused being committed for trial.
हम ट्रायल के लिए नहीं बुलाएंगे, डायरेक्ट हम उसको नॉलेज में ले लेंगे। द प्रोविजन कंटेन इन ए टू डी अबव, जो ऊपर पॉइंट देखे हमने, नॉट शैल अप्लाई, भले कुछ भी लिखा हो सी आर पी सी में उससे हमें मतलब नहीं है, एक तरह से ओवरराइडिंग प्रोविजन हो गया। व्हेन ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जब ये ऑफेंस ट्राई कर रहा है इस एक्ट में, अ स्पेशल कोर्ट मे ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस अंडर विच एक्यूज में सी आर पी सी चार्ज एट द सेम टाइम, जिनके रिस्पेक्ट में सी आर पी सी को अधिकार है उनको छोड़कर बाकी किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। द स्पेशल कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर सकता है। हाउएवर इन सच अ केस इफ अ एक्यूज इज कन्विक्टेड, द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 साल का दोगे। बहुत ध्यान से, जिन ऑफेंस के रिस्पेक्ट में 3 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट अलाउड नहीं है एज पर द एक्ट, उन वाले ऑफेंसेस को स्पेशल कोर्ट ट्राई कर सकता है, बट याद रखना मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना देगा, 1 साल का। दोनों चीज़ें एक जैसी राइट लगती हैं। ऑल्सो If during the course of the summary trial it appears to the special court that the nature of the case ऐसा है जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का imprisonment pass करना सकता है, it is undesirable to try the case और summary case के through possible नहीं है इस case को सुनना, सुनने के दौरान the special court shall after hearing the parties record an order to that effect and thereafter recall any witness who may be examined, proceed to hear or rehear the case इन अकॉर्डिंग फॉर द रेगुलर ट्रायल। फिर उसको हम समरी ट्रायल के थ्रू नहीं सुनने वाले हैं, उसको फिर हम रेगुलर ट्रायल के थ्रू सुनने वाले हैं। चलो सेक्शन नंबर 437 अपील की बात कर रहा है। द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज एप्लीकेबल ऑल द पावर्स कंफर्म्ड अंडर चैप्टर 29 एंड चैप्टर 30 ऑफ द सी आर पी सी ऑन अ हाई कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट विल द लोकल, तो किसको अधिकार है, फिर स्पेशल कोर्ट को अधिकार है। एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट, सेक्शन नंबर कौन सा है, 438। याद रखना बहुत सारे सेक्शन काम के नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रोविजन ऑफ सी आर पी सी शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट, सेम प्रोविजन सी आर पी सी का स्पेशल कोर्ट के सामने लगने वाला है। द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन और द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज द केस में भी। द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल कोर्ट, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे यार, आप कौन है भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन नंबर 440 बात करता है ट्रांजिशन प्रोविजन की। एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट विच इज ट्रायलेबल बाय द स्पेशल कोर्ट शैल अंटिल अ स्पेशल कोर्ट इज एस्टेब्लिश बी ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। However, the High Court shall be empowered to transfer any such case or class of cases in accordance with the provision of CRPC section number 407 के according. Theoretical question. Excel Limited committed an offence under the Companies Act. बहुत बढ़िया साहब, committed offence कर दिया section number 40 offence कर दिया under the Companies Act. The offence falls within the jurisdiction of a special court of Bundi district, Rajasthan में. However, in the Bundi district there were two special court in X place and other in Y place. Identify the jurisdiction. High court decide करेगा भाई कहाँ पर आपको जाना है, right? ये वाला question अगर हम बात करें तो ये वाला आएगा ये रहा। If there are two or more special courts, then the one for such area, then such offence shall be transferred such special court, जिसको high court ने specify किया है, right? तो ये हमारे पास छोटे से सेक्शंस थे, बट थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 439 है, एंड सेक्शन नंबर 439 बोलता है ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, राइट। बहुत ध्यान से लॉ ने बोला है एवरी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 212 सब सेक्शन 6, मतलब ये बात कर रहा है SFIO वाली, राइट, शेल बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल। सारे के सारे ऑफेंसेस को हमने क्या माना है, नॉन कॉग्निजेबल। कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, ROC फाइल करे, शेयर होल्डर फाइल करे, पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करे,
या जिस पर्सन को सेबी ने बोला है क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है और अकॉर्डिंगली वो ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल घोषित कर देगा। आरओसी के केस में फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस स्पेसिफाइड बाय स्पेशल कोड, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। देन ओनली कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, अगर इनमें से एक दो तीन चार पर्सन में से किसी ने फाइल किया है तो ही कोर्ट उनको कॉग्निजेंस में लेगा, नॉलेज में लेगा और अकॉर्डिंगली कार्रवाई स्टार्ट होगी। सेक्शन नंबर कौन सा था? 439। सेक्शन नंबर 442 है जो बात करता है मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल। भाई नाम से लग रहा है हमको, मीडिएशन क्या होता है? सब दो लोगों को बिठाएंगे, उनके आपस के जो डिस्प्यूट है उसको हम सॉल्व कराने की बात करेंगे। कंसिलेशन में भी यही होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन में वहाँ भी यही होता है कि भाई हम दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट हैं वो हम फ्रेंडली मैनर में हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या बनाना है आपको? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हु टू बी कॉल्ड एज अ मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, जिस पैनल को हम क्या बोलेंगे, मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल। शैल कंसिस्ट ऑफ सच एक्सपर्टाइज हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, विच प्रोसीडिंग मे बी रेफर्ड टू द मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, एनी प्रोसीडिंग मे बी रेफर्ड इफ सच प्रोसीडिंग इज पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। बराबर है, इनमें से किसी के सामने अगर वो पेंडिंग रही तो इनमें से कोई भी हम मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल के सामने रेफर कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, चाहे NCLT के सामने और चाहे NCLAT के सामने। एप्लीकेशन बाय द पार्टीज, एनी ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर रेफरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द, चाहे तो डिफेंडेंट चाहे तो अग्रीव्ड पार्टी, दोनों प्लेंटिफ डिफेंडेंट में से कोई भी रेफर कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ ट्रिब्यूनल और अ AT मिस यू मोटो, इनको भी पावर दी गई कि आप भी अपनी इच्छा से, और नॉर्मली ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेफर एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग टू सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और AT डीम्स फिट। बराबर है, तो सेक्शन नंबर 442 में एज सच कोई खास स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक्सपर्टाइज है भैया मीडिएशन कराने का, गवर्नमेंट के सामने अगर कोई मैटर पेंडिंग है, प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या फिर ट्रिब्यूनल के सामने या NCLAT के सामने, वो कभी भी कोई भी पार्टी रेफर कर सकती है, कोई भी पार्टी मतलब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या NCLAT भी रेफर कर सकता है कि भाई आप जाकर वहाँ पर आपस में डिस्प्यूट सॉल्व कराओ, समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना हम तो हैं सब केस लड़ने के लिए। आगे सेक्शन नंबर 443 है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू अपॉइंट द कंपनी प्रोसिक्यूटर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पर्सन एज अ कंपनी प्रोसिक्यूटर, अ कंपनी प्रोसिक्यूटर शैल हैव ऑल द पावर प्रिविलेजेस कन्फर्ड ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC, जो सेक्शन नंबर 24 ऑफ CRPC में पावर है वही सारी पावर यहाँ कंपनी प्रोसिक्यूटर को रहने वाली हैं। आगे सेक्शन नंबर 444 बात करता है अपील अगेंस्ट एक्विटल, एक्विटल मतलब होता है दोष मुक्त या रिहाई, हिंदी की उस पर मत जाएं, सिर्फ रिहाई, रिहाई मतलब दोष मुक्त, मतलब हमने आपको रिलीज कर दिया विदाउट एनी ऑफेंसेस, आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया है, उसको रिलीज करना है तो इसको बोलते हैं हम एक्विटल, राइट, रिहाई। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट एनी कंपनी प्रोसिक्यूटर और एनी अदर पर्सन बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखकर या फिर किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को बोलकर, भाई तुम अपील प्रेजेंट करो फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। बहुत ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई ये जो इस कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मिस्टर एक्स को रिलीज कर दिया है विदाउट एनी ऑफेंसेस चार्ज, ये रिलीज कर दिया, रिहाई कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, आप इस व्यक्ति के अगेंस्ट में अपील फाइल करें, आप इस रिहाई को चैलेंज करें किसी दूसरी कोर्ट में, बट याद रखना वो रिहाई वाली कोर्ट हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 444 में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज की बात नहीं करी गई है।
कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉस्ट. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एलिगेशंस, आरोप, राइट. तो लॉ ने बोला है अगर आपके ऊपर कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, कोई रीजन नहीं है, देन टू आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो आपको कंपनसेशन लेने का अधिकार है. वेयर कंपनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन. कौन डिटरमाइन करेगा? या तो स्पेशल कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन. फॉर एक्विजिशन आरोप विदाउट रीजनेबल कॉज सच कंपनसेशन शैल बी डिटरमाइंड सेक्शन 250 ऑफ द सीआरपीसी. तो लॉ ने बोला कंपनसेशन का अमाउंट क्या होगा ये हम कहाँ डिसाइड करेंगे? सीआरपीसी में. एप्लीकेशन ऑफ फाइन, बहुत ध्यान से. लॉ ने बोला हमने जमाने भर का आपके ऊपर फाइन लगा दिया, सब आपने ये ऑफेंस करा, 1,00,000 का फाइन है, 50,000 का फाइन है, कंपनीज एक्ट में जो जमाने भर का फाइन लग रहा है. लॉ ने बोला ये फाइन का गवर्नमेंट करेगी क्या? वेयर एनी फाइन इज इम्पोज बाय द कोर्ट ऑन एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट, द कोर्ट इम्पोजिंग द फाइन मे डायरेक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन शैल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग. तो लॉ ने बोला जो हम वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेंगे, जो इंस्पेक्टर आपको खोज कर लाएगा, सब पूरी कार्रवाई करेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग. या फिर हमारा कोई वो था, गुप्तचर था, सब जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन पर, खबरी लाल था हमारा कोई, जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन पर हमने आपके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट की है, उसको हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं. सेक्शन नंबर 446 में एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स की बात है. 446A, फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट, किस लेवल का पनिशमेंट मिलेगा. द कोर्ट और द स्पेशल कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट शेल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द कंपनी, इंजरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट, राइट. सेक्शन नंबर कौन सा है? 446. इसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कंपनसेशन कितना मिलने वाला है. लेसर पेनल्टीज फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी. इफ एनी ओपीसी और अ स्मॉल कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, सेक्शन 92 सबसेक्शन 5, एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट. सेक्शन 117 रिजोल्यूशन, कुछ आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं आपको. 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट. सच कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ सच कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी मोर देन 1/2 ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. सब ओपीसी को और स्मॉल कंपनी को थोड़ा सा रिलीफ ज़्यादा दिया है हमने कि भाई जो नॉर्मल सेक्शन में पेनल्टी लिखी है, 50,000 लिखा है, 1,00,000 लिखा है, जहाँ पर भी जो भी लिखा है, उसका आपको 50% ही पेनल्टी का अमाउंट लगने वाला है. ये तीन डिफॉल्ट में, 92 वाली, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, या कुछ रिजोल्यूशन आपको आरओसी को फाइल करने थे, इन सेक्शन में जो जो पेनल्टी है, ये लॉ ने बोला आपको 1/2 50% ऑफ द पेनल्टी लगेगी, और ज़्यादा पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगने वाली है, राइट. हमने बात की सेक्शन नंबर 439 से बात की. अब हम पूरा का पूरा थ्योरी डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है. ध्यान से, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, सेक्शन नंबर कौन सा यार? 439. ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, सेक्शन नंबर 439 सबसेक्शन 1, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 212 SFIO की बात करें हम, शैल बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल. सारे के सारे ऑफेंसेस को हम ट्रीट करेंगे नॉन कॉग्निजेबल. As per section 212 subsection 6, the offences covered under section 447, याद रखना 447 punishment in case of fraud की बात करता है, shall be cognizable. Section 212 subsection 6 shall apply notwithstanding anything contained in CRPC में कुछ भी लिखा हो. लॉ ने बोला हमें मतलब नहीं है, सेक्शन नंबर 212 सबसेक्शन 6 तो लगेगा जो बात करता है फ्रॉड की SFIO के केस में. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन नंबर 439 सबसेक्शन 2, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, याद रखना कॉग्निजेंस मतलब होता है एक्सेप्टेंस या नॉलेज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड बाय एनी कंपनी या ऑफिसर ने एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट. कंप्लेंट कौन लगाएगा? आरओसी लगाए, शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी, अ पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी ने बोला है इन केस ऑफ ऑफेंस
नॉन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस प्रोसीडिंग बाय द कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी उस पर यह प्रोविजन नहीं लगता है जिसने डिफॉल्ट की है, जिसने डिफॉल्ट नहीं किया 137 या 92, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी रीड एज एज अंडर। इन पर यह प्रोविजन लगेगा, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विच इज अलेज टू हैव कमिटेड बाय एनी कंपनी और एनी ऑफिसर देयर ऑफ अनलेस द कंपनी इज कंप्लेंट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी ने दी है, राइट। फिर वहां पर किसको अधिकार नहीं है, मेंबर को अधिकार या आरओसी को अधिकार नहीं है। पर्सनल प्रेजेंस नॉट रिक्वायर्ड, वेयर द कंप्लेनेंट इज अ रजिस्ट्रार और अ पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी है या कोई गवर्नमेंट ने ऑथराइज पर्सन है। द प्रेजेंस ऑफ सच ऑफिसर बिफोर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस शैल नॉट बी नेसेसरी अनलेस द कोर्ट रिक्वायर्स पर्सनल अटेंडेंस एट द ट्रायल। अगर पर्सनल अटेंडेंस बोला है तभी आना है, वरना नहीं आना है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 439 शैल अप्लाई नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दी सीआरपीसी। लॉ ने बोला सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है। सवाल, इन द एजीएम ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड व्हाइल डिस्कसिंग ऑन द मैटर्स ऑफ रिटायरमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर एक्स एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, इनके ऊपर आरोप लगे हैं सब फ्रॉड का, एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी वर लेविड अगेंस्ट हिम बाय सम मेंबर्स। मेंबर ने इनके ऊपर केस फ्रॉड लगाया, फ्रॉड का वो लगाया है सब एलिगेशंस, राइट, आरोप। दिस रिजल्टेड टू चोज इन द मीटिंग में सब रुक गई मीटिंग। द सिचुएशन वॉज नॉर्मल ओनली आफ्टर द चेयरमैन डिक्लेयर्ड दैट अबाउट इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी। चेयरमैन ने बोला सब इंक्वायरी करी जाएगी। मिस्टर एक्स हाउएवर कुड नॉट बी रीअपॉइंटेड इन द मीटिंग, और उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। द मैटर वॉज पब्लिश इन न्यूज पेपर, अगले दिन दैनिक भास्कर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में छप गया। ऑन द बेसिस ऑफ सच न्यूज वेदर द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस, मतलब ये बात कर रहे हैं सुमोटो तो पावर ही नहीं है, और टेक एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर। ध्यान से भाई, ये केस लगाने का पावर सिर्फ ये 4 पर्सन को, दी नो पर्सन मेंशन हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज पब्लिश न्यूज पेपर द कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। कोर्ट को अधिकार नहीं है, याद रखना। अगर सेक्शन 439 पढ़ के नहीं गए तो इस साल इस क्वेश्चन का आप आंसर गलत ही लिख कर आओगे। जब तक कंप्लेन नहीं फाइल करी है आरओसी के द्वारा, मेंबर के द्वारा, गवर्नमेंट के पर्सन ऑथराइज या सेबी ने, इन दोनों केस में, तब तक कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर जोसेफ अ मेंबर ऑफ अमाल मैट्स लिमिटेड इज अग्रीव्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द एजीएम। बहुत बढ़िया, सब एजीएम नहीं, एजीएम में डिविडेंड नहीं दिया। ही मेक्स अ कंप्लेंट इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूडिशियन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑफ लिमिटेशन बट द कोर्ट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन। फेलियर ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अच्छा ओके, डिविडेंड डिक्लेयर करा था उसका पेमेंट नहीं करा, तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। इन द गिविंग केस अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड विद द कोर्ट बाय अ मेंबर ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 439 मिस्टर जोसेफ इज ऑथराइज टू मेक सच अ कंप्लेंट सो द कोर्ट इज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस। और कोर्ट ने रिफ्यूज करा तो कोर्ट ने गलत करा। ऑल ऑफेंसेज अंडर द कंपनीज एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट ऑफेंसेज कवर्ड अंडर सेक्शन 447। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। भाई ये वाला भी तो आएगा, सेक्शन 200 and 206 वाला। एज पर सेक्शन 212 सबसेक्शन 6 द ऑफेंस इज कवर्ड 447 शैल बी कॉग्निजेबल। टू कंक्लूड ऑल द ऑफेंसेज कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन, ऑफेंसेज कवर्ड 447 शैल बी कॉग्निजेबल। तो स्टेटमेंट क्या है ये, करेक्ट। 222 सबसेक्शन 6 वाले को भी हम नॉन कॉग्निजेबल मानते हैं। सेक्शन 442 बात करता है मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। गवर्नमेंट क्या बनाएगा, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएगा। द मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो गवर्नमेंट ने बोला है प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से होगा।
फीस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सपर्ट्स शैल बी प्रिस्क्राइब्ड विच प्रोसीडिंग, कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीडिंग यहाँ पर मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल के सामने जाएंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है 442 में. एनी प्रोसीडिंग मे बी प्रेफर टू द मीडिएशन कंसिलेशन इफ सच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने, अपलेट ट्रिब्यूनल के सामने, राइट. हु कैन प्रेफर एप्लीकेशन बाय द पार्टीज, एनी ऑफ द पार्टी टू द प्रोसीडिंग मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्रेफरिंग द प्रोसीडिंग टू द मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल. सच एप्लीकेशन मे बी मेड एनी टाइम वेन द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द एटी. इनके सामने पेंडिंग है फिर भी आप मीडिएशन के लिए जा सकते हैं 442 में. याद रखना, अगर आपने 442 सेक्शन नहीं पढ़ा तो आप इसका आंसर क्या लिख के आओगे, नहीं जा सकते, क्योंकि हमेशा नॉर्मल यही होता है. बट सेक्शन नंबर 442 स्पेसिफिकली ऑथराइज कर रहा है कि भाई अगर यहाँ पर भी पेंडिंग है गवर्नमेंट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने, एटी के सामने, तो भी आप जा सकते हैं. द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, एटी एज द केस में बी, बिफोर हुम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग. एप्लीकेशन शैल बी मेड इन सच फॉर्म अलॉन्ग विद द फीस. व्हेन सच एन एप्लीकेशन इज मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द एटी एज द केस में बी शैल अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल. एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द एटी. The central government or the tribunal or the AT may, suo motu, refer any pending proceeding to such number of experts from the mediation conciliation panel as the central government or the tribunal deems fit. Procedure to be followed by mediation conciliation panel. वो procedure follow करेगा जो prescribed है, dispose of कर देगा 3 महीने में. इट शेल फॉरवर्ड रिकमेंडेशन टू दी, अपनी रिकमेंडेशन किसको भेजेगा, वो गवर्नमेंट को, ट्रिब्यूनल को, एटी को. राइट ऑफ अग्रीव्ड पार्टी टू फाइल ऑब्जेक्शन. एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मीडिएशन कंसिलेशन पैनल एज पर सेक्शन 442 मे फाइल ऑब्जेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, एटी एज द केस मे बी. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंसिलेशन और मीडिएशन क्या है भाई, एडीआर की तरह काम करता है, राइट. आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में ये अल्टरनेट रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है, ये हुआ थ्योरी पॉइंट. सेक्शन नंबर 443, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर. दिस सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पर्सन एज अ कंपनी प्रोसिक्यूटर. गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा पर्सन को एज अ कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है. The company prosecutor may be appointed generally for any case of any specified class of cases. या तो कोई particular case के लिए appoint करेगा या फिर particular class of case के लिए appoint करेगा. The company prosecutor shall be appointed to conduct proceeding arising out of this act. इस act में जो proceeding आ रही है उनके respect में appoint करना है. A company prosecutor, इसको वही सारी power है जो section 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीआरपीसी में होती हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू अपॉइंट मिस्टर ऑनेस्ट अ कंपनी प्रोसिक्यूटर, कैन इट डू सो, मेंशन द यस कर सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन. एंड सेक्शन नंबर 444 है, अपील अगेंस्ट एक्विटल. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट एनी कंपनी प्रोसिक्यूटर और एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस to present an appeal before an order of acquittal other than this high court. An appeal so presented shall be deemed to be validly presented. और जो अपील फाइल की है उसको हम validly present मानेंगे. Section number 445, compensation for acquisition with reasonable cause. Where compensation is to be determined by special court or the court of session for acquisition without reasonable cause, such compensation shall be determined as per section 250 of the CRPC के हिसाब से आपको वो compensation को determine करना है. चलें हम बात करें section number 447 की, और section number 447 बात करता है
पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड. अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है तो उसके लिए पनिशमेंट है, और उसके लिए एकमात्र सेक्शन है जो बहुत प्यारा सेक्शन है, वो है सेक्शन 447. बहुत ध्यान से, ही शैल बी पनिशेबल एज फॉलोज. अगर फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इम्प्रिजनमेंट कितना है, मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स. अगर पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो ये थ्री ईयर्स की जगह 6 मंथ आ जाएगा, 10 ईयर्स की जगह 10 मंथ ही रहेगा. फाइन कितना है, अमाउंट इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 3 टाइम्स दी अमाउंट इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड. तो ये आपका इम्प्रिजनमेंट की प्रोविज़न है और ये आपकी फाइन की प्रोविज़न है. आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व्स एन अमाउंट ऑफ लेस देन 10 लाख, अगर 10 लाख से कम का फ्रॉड है और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से कुछ भी होता है और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई फ्रॉड किया है किसी ने और वो 10 लाख रुपए से कम का है, या फिर 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर, इन दोनों से कम का फ्रॉड है, तो लॉ ने बोला डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है. एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच फ्रॉड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज. मतलब से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख का है, करेक्ट. अब 50 लाख का अगर हम निकाले 1%, तो 50 लाख का 1%, 50 लाख का 10% हुआ आपका 5 लाख रुपया, 1% हुआ 50,000 रुपये. 50,000 रुपये और 10 लाख, विच एवर इज लोअर, 50,000 रुपये. अगर जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड किया गया है वो 50,000 रुपये से कम का है, तो लॉ ने बोला है फिर आपको आपको कितना इम्प्रिजनमेंट है, 5 ईयर्स का या 50 लाख रुपये या दोनों, विच एवर इज काइको. मतलब इम्प्रिजनमेंट फिर 5 ईयर्स का है और फाइन है कितने का, मैक्सिमम 50 लाख रुपए का. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि लॉ ने क्या बोला है 1% ऑफ टर्नओवर. सब 50 लाख का अगर हम निकालें तो 1% 50,000 रुपये ही आएगा, और अगर इससे कम का आपने फ्रॉड किया है तो फिर लॉ ने बोला इतना इतना पेनल्टी फाइन लगने वाला है. और ये वाला जो कंसेप्ट है ये कब लगेगा, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ एंड 1% ऑफ द टर्न ओवर विच एवर इज लोअर. सेक्शन नंबर 447 बहुत काम का है. सेक्शन नंबर 450 की बात है, पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और रेजिडरी पेनल्टी. इसको हम इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, अगर किसी सेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं है तो आपको दौड़ कर कहाँ पर जाना है, सेक्शन नंबर 450 की तरफ. क्या बोल रहा है वो, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस है, अगर पहली बार अगर ऑफेंस किया गया है तो कंपनी एंड ऑफिसर पे 10,000 रुपये का फाइन है, और अगर ऑफेंस कंटिन्यू है तो 1,000 रुपये फॉर एवरी डे का फाइन लगने वाला है फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन के बाद से. सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास, 450 है, इसको काट दें 447 में, राइट. चल, हमने बात करी 450 में, और 450 में क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंस है तो कितना है, 10,000 रुपीज़ का पेनल्टी है, कंपनी हो चाहे ऑफिसर हो, और अगर कंटिन्यू है तो 1,000 रुपीज़ कॉन्ट्रावेंशन है फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन के बाद से. आगे, एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन नंबर 454 है, और ये बात करता है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा, और ये ऑर्डर को पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में. अपॉइंट करेगा कुछ नंबर ऑफ ऑफिसर्स जिनको, जो किस लेवल के नहीं रहेंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ROC, इनको हमने क्या बोला है, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, और स्पेसिफाई करेगा इनका ज्यूरिसडिक्शन. ये जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर हैं वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं आपको क्या देने के बाद, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देने के बाद. पेनल्टी इम्पोज करेंगे किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, बराबर है. सेक्शन नंबर कौन सा है, 454. कोई भी पर्सन इनके एजुकेटिंग ऑफिसर मतलब ROC के ऑर्डर से अग्रीव्ड होता है तो वो इनके बॉस मतलब रीजनल डायरेक्टर को अपील फाइल करें. 60 डेज़ के अंदर RD को अपील फाइल करना है, और RD उस ऑर्डर को कन्फर्म कर सकता है जो ROC ने दिया, मॉडिफाई या सेट असाइड कर सकता है.
अगर कंपनी ऑफिसर ने पेनल्टी अमाउंट पे नहीं करा जो एजुकेटिंग ऑफिसर ने या आरडी ने लगाया, कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर, तो ऑफिसर का 6 महीने का रहना खाना फ्री है 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक, और कंपनी के ऊपर 25,000 से 5,00,000 रुपये तक का फाइन लगेगा। सेक्शन नंबर कौन सा है यार, 454, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके कुछ ऑफिसर को ऑथराइज किया है कि भाई तुम कौन हो आज से, एजुकेटिंग ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ आरओसी के नीचे के नहीं होंगे, पेनल्टी इम्पोज करेंगे इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में, आप आईडी को अपील फाइल कर दो, 60 दिन में पेनल्टी अमाउंट नहीं दिया एजुकेटिंग ऑफिसर ने या आरओसी ने जो फेस आरडी ने जो बोला था 90 दिन में, तो अकॉर्डिंगली पेनल्टी पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, सेक्शन नंबर 454 है। और बेहद प्यारा सेक्शन, सेक्शन नंबर 455 जो बात करता है डोरमेंट कंपनी की। डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनी। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर कोई कंपनी बनाई गई है काहे के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या टू होल्ड एन एसेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, क्या नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मेजर ट्रांजेक्शन नहीं है, उस कंपनी को, उस इनएक्टिव कंपनी को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। फॉर्म नंबर कौन सा है, MSC1 वाला फॉर्म है। फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, कंपनी में क्या पास करने के बाद, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद। बहुत ध्यान से, जो भी कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, आज हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, बट बिजनेस आज क्या है ये हमको चालू नहीं करना है आज, तो लॉ ने बोला फिर आप क्या करो, अपनी कंपनी को आप डोरमेंट कंपनी बनवा दें। डोरमेंट कंपनी के लिए सेक्शन नंबर 455 जाएगा और आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, एक फॉर्म है MSC1 में। सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मिलेगा फॉर्म नंबर MSC2 में, और याद रखना इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट आरओसी ने बोला है ये जो कंपनी है इज एलिजिबल ओनली इफ नो इंस्पेक्शन इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, वरना आपको डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। नो प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट दी कंपनी, कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं करा गया ना ही पेंडिंग है। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, नो कॉन्फ्लिक्ट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ शेयर्स, द कंपनी डज नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ड्यूटीज एटसेट्रा, द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज विद इन और आउटसाइड इंडिया। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं लग रही नेगेटिवली, तो ही आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया तो साल भर में आपको क्या करना है, लॉ ने बोला कुछ मत करो, डोरमेंट कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, वो भी कौन से बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर। इंडिकेट करना है फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग सीए इन फॉर्म नंबर कौन सा है, MSC3 में, और 30 दिन में फाइल करना पड़ेगा जब से हर कम फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है। फिर आपको कन्वर्ट करवाना है अपनी कंपनी को काहे में, नॉर्मल कंपनी में, तो एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डोरमेंट इंटू एक्टिव कंपनी फॉर्म नंबर कौन सा जाएगा, MSC4 प्लस ऑडिटर का सर्टिफिकेट जाएगा MSC3 में, और ROC आपको सर्टिफिकेट दे देगा MSC5 में। बहुत ध्यान से, MSC1 में आपने एप्लीकेशन लगाई, MSC2 में इसका सर्टिफिकेट मिला, MSC3 में आपको ईयरली CA का फाइल करना है, MSC4 में कन्वर्जन का प्रोविज़न है, MSC5 में आपको ROC इसका सर्टिफिकेट दे देगा। ROC विल इनिशिएट द प्रोसेस ट्रैकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, अगर 5 साल के बाद भी डोरमेंट रही, मतलब 5 साल में अगर आपने कन्वर्ट नहीं कराया, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो डोरमेंट कंपनी में रिक्वायर्ड है नॉर्मल है, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2, OPC में 1 डायरेक्टर, ये हमारे पास सेक्शन नंबर 455 जिसमें एग्जाम में सेपरेट सवाल पूछ सकते हैं। चल, थैंक यू। हमने बात की है सेक्शन नंबर 446 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ फाइन की, राइट। बहुत ध्यान से कि साहब जो पैसा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है
फाइन लगा लगा के ये पैसे का यूज क्या होना है, राइट? तो इन्होंने बोला है, वेयर एनी फाइन इज इम्पोज बाय एनी कोर्ट ऑन एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई फाइन लगाया गया, द कोर्ट इम्पोजिंग द फाइन मे डायरेक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन शैल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, या फिर सेकेंड बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने कार्रवाई स्टार्ट की उस पर्सन को हम कुछ रिवॉर्ड दे देंगे, एक तरह से हमारा खबरी लाल, राइट? चले सेक्शन नंबर 446A, फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट, किस लेवल पनिशमेंट कितना देना है, ये कुछ कुछ फैक्टर्स जैसे डिसाइड करने हैं, द कोर्ट और द स्पेशल कोर्ट व्हाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन और इंप्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट, कितना फाइन देना है कितना इंप्रिजनमेंट लगाना है, शेल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, पहला कंपनी कितनी बड़ी है ये चेक करना पड़ेगा हमको, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या कर रही है भाई, इससे फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनी तो और ज़्यादा समस्या हो सकती है, इंजरी पब्लिक इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है भाई, अगर आप पॉल्यूटिंग कंपनी या फार्मा कंपनी और आपने ऐसा कुछ दवाई बना दी जो गलत है ज़्यादा मिला दिया तो समस्या है, नेचर ऑफ डिफॉल्ट और रिपीटेशन ऑफ द डिफॉल्ट, लास्ट पॉइंट तो बेहद काम का है, आप वही अपराध बार बार करते तो कड़े पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 446B, ये ए बी जो होते ना सेक्शन, ये बीच में इंसर्ट किया था और ये दोनों सेक्शन बीच में ही इंसर्ट किए गए थे, कंपनीज एक्ट 2013 जब अगस्त में 2013 में तब ये सेक्शन नहीं थे। इफ एनी ओपीसी और अ स्मॉल कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92(5), सेक्शन 92 सब सेक्शन 5, मतलब आपने एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया, या फिर सेक्शन नंबर 117 का डिफॉल्ट किया, मतलब कुछ कुछ रिजोल्यूशन आपको आरओसी को फाइल करने पड़ते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसका डिफॉल्ट किया, 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट किया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ सच कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी मोर देन 1/2 ऑफ द पेनल्टी, मतलब रिलैक्सेशन दे दिया ओपीसी स्मॉल कंपनी केस में, तीन सेक्शन, सेक्शन 92 सब सेक्शन 5, सेक्शन 117 और 137 में अगर ओपीसी स्मॉल कंपनी के डिफॉल्ट किया है तो जो सेक्शन इनमें पेनल्टी लगती है उसका आधा पेनल्टी लगेगा, ये बोला है 446B में। द प्रोविजन ऑफ 446B शैल अप्लाई नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग, ओवरराइडिंग सेक्शन डाल दिया सब ये सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन 447 काम का सेक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वेयर एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया फ्रॉड में इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपया, कितने रुपए का फ्रॉड है 10 लाख का है, या 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर ही शैल बी पनिशेबल एज फॉलो, अगर 10 लाख रुपए का फ्रॉड है या 1% ऑफ टर्नओवर है, दोनों में से विच एवर इज लोअर, अगर इतने का फ्रॉड है तो लॉ ने बोला मिनिमम पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो मिनिमम 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम दोनों केस में 10 साल का है, फाइन कितना लगेगा जितना अमाउंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में या 3 times the अमाउंट इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड। वेयर एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर एंड द फ्रॉड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उसमें क्या नहीं इन्वॉल्व है यार, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच फ्रॉड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, फाइन अप टू 50 लाख और दोनों, ध्यान रखना यहां पर कम से कम 10 लाख का है और यहां पर लेस देन 10 लाख, राइट, कंफ्यूज ना होना, 10 लाख का कम से कम फ्रॉड है या 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर है, यहाँ पर लेस देन 10 लाख है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, राइट, तो कितना होगा, 5 साल का रहना खाना फ्री है, पैसे कितने लगने वाले हैं 50 लाख रुपए तक का फाइन। द पर्सन लाइबल अंडर सेक्शन 447 शैल कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर एनी अदर लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इनफोर्स इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेट, अरे भाई पैसा तो पे करना ही पड़ेगा, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म, फ्रॉड क्या होता है, थेरी प्रोविजन, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये आपको थेरी प्रोविजन, राइट। 450 ऑफेंसेस पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट, द टर्म ऑफेंसेज इज नॉट बीन डिफाइंड, ऑफेंस रिफर टू एनी एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल है,
याद रखना, अगर किसी भी सेक्शन में आपने डिफॉल्ट करी कंपनीज एक्ट के और उस सेक्शन में पेनल्टी नहीं दी, तो आपके लिए कौन सा सहारा है? सेक्शन नंबर 450 है, सेक्शन नंबर 430 नहीं है, 450 है, राइट? अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी है तो लॉ ने बोला चिंता मत करो, हम आपके लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं 450 वाला, 10,000 रुपये की पेनल्टी है और अ फाइन प्लस 1,000 रुपीज पर डे जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होती है तब तक। एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज 454 है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल हैव द पावर टू एडजस्ट द पेनल्टीज, आपको पेनल्टीज डिसाइड करने का अधिकार है। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल एडजस्ट द पेनल्टी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स जितना गवर्नमेंट ने बोला है वो, और वो द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर शेल बी मेड बाई पब्लिशिंग ऑफिशियल गजेट में ऑर्डर पब्लिश होगा। याद रखना, रजिस्ट्रार से नीचे के लेवल के पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं होंगे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वाइल अपॉइंटिंग द ऑफिसर द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल स्पेसिफाई देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन, और ऑर्डर क्या करेंगे इम्पोजिंग पेनल्टी, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मे बाय ऑर्डर इम्पोज द पेनल्टी ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर लगा देंगे, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन एज द केस में बी स्टेटिंग देयर इन एनी नॉन कंप्लाइंस और डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन दिस एक्ट एंड डायरेक्ट सच कंपनी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट एनी अदर पर्सन एज द केस में बी टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट। हम इन पर्सन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर या और कोई पर्सन है, इनके ऊपर हम पेनल्टी लगा देंगे, एक बात। दूसरी बात, इनको हम बोलेंगे कि भाई आपने जो डिफॉल्ट की है उसको ठीक करें। कोई भी पेनल्टी वगैरह इम्पोज करने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आपने पेनल्टी लगा दी तो लॉ ने बोला आपको इस पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील करने का भी अधिकार है। जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आरओसी लेवल का होगा तो इसका बॉस जो है उनके सामने अपील करोगे, और आरओसी का बॉस कौन होता है? रीजनल डायरेक्टर। तो लॉ ने बोला अपील फाइल करो आरडी को, 60 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। ऑर्डर जो भी पास करा, जो ऑर्डर लगेगा कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड, वो ऑर्डर पास कर सकता है। बिफोर पासिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा दोनों पार्टीज को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ एडजुकेटिंग ऑफिसर और आरडी, कंपनी ने अगर 90 डेज में, इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई एनी ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या आईडी के द्वारा 90 दिन के अंदर, तो पनिशेबल फाइन 25,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का कंपनी के ऊपर फाइन है, और ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, इन्होंने नहीं करा तो 6 महीने का रहना खाना फ्री है, मतलब 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट। फाइन कितना है? 25,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का। सेक्शन नंबर 454A बीच में इंसर्टेड है, राइट? पेनल्टी फॉर रिपीटेटिव डिफॉल्ट, वेयर अ कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन हैविंग ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, मतलब आपको ऑलरेडी डिफॉल्ट होगी, अगेन कमिट सच डिफॉल्ट, 3 साल के अंदर फिर से वही डिफॉल्ट कर दी, तो लॉ ने बोला आपके ऊपर जितनी जिस सेक्शन में पेनल्टी लगी थी उसका 2 टाइम्स आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। भाई तूने डिफॉल्ट भी तो फिर से कर दी, 3 साल का तो ब्रेक करना था कम से कम। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है डॉर्मेंट कंपनी का। एप्लीकेशन बाय द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड, याद रखना डॉर्मेंट मतलब होता है इनएक्टिव कंपनी। एप्लीकेशन कंपनी लगाएगा आरओसी को फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। अगर अ कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, अगर वो फॉर्मड हुई थी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, आईपीआर होल्ड करने के लिए, असेट्स होल्ड करने के लिए, और वो इनएक्टिव कंपनी है, आपको एप्लीकेशन लगाना है। फॉर्म नंबर प्रिस्क्राइब है MSC1। द एप्लीकेशन मे बी मेड ओनली इफ, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है और अ नोटिस इज इशूड टू ऑल द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर दिस पर्पज एंड कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर इन वैल्यू इज ऑप्टेन। याद रखना 3/4 SR मतलब हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, या फिर 3/4 इन वैल्यू वालों ने बोल दिया, 10 लाख की कैपिटल है, 7.5 लाख वालों ने बोल दिया, हमारा काम बन गया। भले ही वो 7.5 लाख 5 लोगों के पास उससे मतलब नहीं है,
मीनिंग ऑफ इनएक्टिव कंपनी. इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशंस, अ कंपनी विच हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर, या कंपनी ने फाइल नहीं करा एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले दो साल में. और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? मेजर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो, राइट, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ डॉर्मेंट कंपनी. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, अगर ये करे हैं जो कि बहुत छोटे ट्रांजेक्शन हैं या लीगली ज़रूरी है इनको छोड़कर. पहला, पेमेंट ऑफ फीस वाया कंपनी टू रजिस्टर, इसको छोड़कर, और कोई एक्ट में पेमेंट है इसको छोड़कर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इसको छोड़कर, या पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड. हम ध्यान से देखें, लास्ट वाला पॉइंट ज़रूरी है और तीन लीगली कंप्लाइंस है. केसेस इन विच, कौन कौन से केसेस में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते? अगर कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रहा था तो अप्लाई नहीं कर सकते, या अ कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इफ, कौन कौन से केसेस में अप्लाई कर सकते हैं इनको छोड़कर नहीं कर सकते. कोई भी आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ हो, कंपनी ने पब्लिक से कोई डिपॉजिट ना लिया हो, और लिया था तो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं की हो, कोई आउटस्टैंडिंग लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं होना चाहिए. हाउएवर इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी आफ्टर, अगर हमने लेंडर की अप्रूवल ले ली है तो. और कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, द कंपनी डज नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूट टैक्सेस वगैरह नहीं होना चाहिए, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करी हो पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, कंपनी लिस्टेड नहीं होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज विद इन और आउटसाइड इंडिया. आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा अगर सेटिस्फाइड हुआ तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा ROC. कौन से वाले फॉर्मेट में यार? MSC2 वाले फॉर्मेट में. रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी टू बी मेंटेन बाय द रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी. प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, टू रिटेन अ डॉर्मेंट स्टेटस अ कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए. कुछ कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे आपको, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 इन केस ऑफ OPC कंपनी. द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर वो अप्लाई नहीं होगा डॉर्मेंट कंपनी के ऊपर. अगर आपने कंप्लाई नहीं करा रिक्वायरमेंट्स का, आपका नाम हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. ऑप्शन ऑफ डॉर्मेंट कंपनी टू बिकम एक्टिव कंपनी, अ डॉर्मेंट कंपनी मे बिकम अ एक्टिव कंपनी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन लगाओ, आपको हम एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको. इफ अ कंपनी डज नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिटर्न लगातार दो साल तक, ROC नोटिस इशू करके आपका नाम रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी में लिख देगा. और फिर आपके पास थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं. वेरियस इशूज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट. गुलमोहर लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया फॉर द लास्ट 5 years, 5 साल से रजिस्टर्ड है. सिंस लास्ट 2 financial year इट हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है. कंसिडरिंग द करेंट सिचुएशन डायरेक्टर्स आर कंटेम्परेटिंग टू अप्लाई टू ROC टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी. वेदर गुलमोहर लिमिटेड इज एलिजिबल टू अप्लाई, यस. विल यू आंसर बी डिफरेंट इफ गुलमोहर इज कंटिन्यूइंग पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड पेमेंट ऑफ रेंटल फॉर इट ऑफिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द लास्ट 2. नहीं, इसमें आंसर भी चेंज होगा हमारा. इज स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग प्रीरिक्विजिट है, यस. थर्ड है, वुड विट बी आंसर इफ इट फाउंड आफ्टर मेकिंग एन एप्लीकेशन डॉर्मेंट कंपनी ROC कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है 6 महीने पहले तो दिक्कत है. देखो पहले वाले का आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, फाइल नहीं करा, देयरफॉर गुलमोहर इज एन एक्टिव कंपनी और वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए. सेकंड, लगातार कंटिन्यूसली मेकिंग पेमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स में नहीं आता तो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है. थर्ड, क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है. और फोर्थ, मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा भाई अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह पेंडिंग है तो. तो ये हमारा सेक्शन नंबर 446 से लेकर 455 तक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था.
सेक्शन नंबर 466 थ्योरी में बात कर रहा है, डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास? 466। द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, द बोर्ड ऑफ द कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एज CLB शैल स्टैंड डिसॉल्व ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ट्रिब्यूनल बन गया, NCLT बन गया, NCLAT बन गया, तो लॉजिकल चल CLB तो खत्म होना ही था। सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ CLB टू कंटिन्यू टू फंक्शन, बट ऑफिसर्स तो कंटिन्यू रहेंगे ही अनटिल द ट्रिब्यूनल और द AT इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जी चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर ऑफ द CLB इमिडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल या AT हु फुलफिल द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट चेयरपर्सन। वो पर्सन तो कंटिन्यू रहेगा ही, राइट। आगे, अंटिल द ट्रिब्यूनल और AT इज कॉन्स्टिट्यूटेड द चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन पर्सन मेंबर ऑफ द AT बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेंट हु डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशन शेल वैकेंट। उनको जगह खाली करनी पड़ेगी, और क्योंकि उनका प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है एंड दे आर एंटाइटल फॉर कंपनसेशन। पॉइंट नंबर 3, ऑफिसर्स एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन बेसिस टू CLB। एवरी ऑफिसर और एम्प्लॉय हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन बेसिस टू द CLB शेल ऑन सच डिसॉल्यूशन बिकम्स ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द AT। अगर जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है अंडर द NCLT रूल्स वो फुलफिल करते तो यहाँ पर ऑफिसर बन जाएंगे। शेल रिवर्टेड टू हिज पेरेंट कैडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन एनी अदर केस, राइट। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑफ द CLB। एवरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द CLB एम्प्लॉयड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो परमानेंट बंदा था, शेल बिकम ऑन और फ्रॉम सच डिसॉल्यूशन द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द ट्रिब्यूनल और AT विद इन द सेम राइट्स प्रिविलेजेस बेनिफिट्स पेंशन ग्रेचुटी अदर लाइक बेनिफिट्स एज वुड हैव बीन एडमिसिबल टू हिम इफ ही हैड कंटिन्यू टू सर्व दैट बोर्ड और शेल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल एंड अनलेस हिज एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रिब्यूनल और द AT इज ड्यूली टर्मिनेटेड और अंटिल हिज रेमोनरेशन। एनी सच ऑफिसर और एम्प्लॉय शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। Under any law for the time being in force, no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority. And point number 5th बात करता है कि provident or other fund established by the CLB. Where the CLB has been established a provident fund, yeah, super काम का point है यार, superannuation fund, welfare fund, other fund for the benefit of officers, other employees employed in the CLB, the money related to the officers or employees who have become officers or employees of the tribunal out of the money standing to the credit of such PF, superannuation fund, welfare fund, other fund stand transferred in the West Indies to the tribunal or the AT as the case may be and such money so transferred dealt by the or फिर उस पैसे को कौन डील करने वाला है, NCLT या NCLAT। ये हमारे पास पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 466 बात करता है कि भाई CLB का जो बचा कोचा ऑफिसर्स हैं उनका क्या होगा, उनका जो फंड बनाया उस फंड का पैसा क्या होगा।